हेलो फ्रेंड्स, याली मदद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुमताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन मुठिया, जो हमारे इस्माइली कम्युनिटी की ट्रेडिशनल डिश है। मटन मुठिया बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मटन लिया है, ये साइज के पीसेस किए हैं। 1.5 किलो बाजरे का आटा है। मूंग, मट और चौली तीनों चीज मैंने रात से भिगो के रखा है। ये तीनों 50-50 ग्राम है, टोटल 150 ग्राम है। ये 50 ग्राम चने हैं, ये अलग से ही भिगाएंगे, ये भी मैंने रात से भिगा के रखे हैं। ये वो मट है, ये चौली है, ये मूंग है और ये चने हैं। 1.5 किलो टमाटर बारीक कटे हुए, 100 ग्राम गीला नारियल है, ये मैंने स्क्रैप करके रखा है। 200 ग्राम गवार, 100 ग्राम मटर छिले हुए, 200 ग्राम सिंगटी फल्ली, ये साइज के पीस किए हैं। 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 5 चम्मच जीरा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये चौलाई भाजी है, ये क्लीन और कट करने के बाद 100 ग्राम है। ये मेथी की भाजी है, ये भी क्लीन और कट करने के बाद 100 ग्राम। ये पालक भाजी है, ये भी 100 ग्राम। बैंगन 400 ग्राम, 1.5 किलो प्याज पतला और लंबा कटा हुआ, 1.5 किलो आलू लिए हैं मैंने, ये साइज के पीसेस करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, मैंने यहाँ पर तिल का तेल लिया है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 लौंग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 2 से 3 पीस तज के, नमक स्वाद अनुसार। सबके साथ 200 ग्राम वाल पापड़ी भी डालेंगे, आज मेरे पास नहीं है। सबसे पहले मटन उबालने के लिए रख लेते हैं, इसको हम कुकर में डालेंगे। चने भी हम साथ में ही डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 कप तकरीबन पानी डाल लेते हैं और इसे हम बंद करके मटन पकने तक पकाएंगे। गोश्त उबालने के लिए रखा है, जब तक हम यहाँ पे मुठिया बनाते हैं। सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 2 प्याज डालते हैं, 1/2 गरम मसाला काली मिर्च, लौंग, तज और जीरा लिया है वो डाल लेते हैं और इसे प्याज को सॉफ्ट होने तक हम तेज आंच पे 3 से 5 मिनट तक हिलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम जो गीला नारियल है उसमें से 1/2 ही डालेंगे, 1/2 हम जब मुठे बनाते वक्त डालेंगे और इसे हम तेज आंच पे ही प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। प्याज और खोपरा दोनों भून चुके हैं, प्याज को हमने तकरीबन 5 मिनट भुना था पहले, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए और खोपरा को भी हमने 3 से 4 मिनट तक प्याज के साथ भुना है। अब हम इसमें सब वेजिटेबल्स डालेंगे, बैंगन डालेंगे, मैंने बैंगन को इस तरीके से बीच में से 4 पीस किए हैं, 1/2 ही काटेंगे, अक्खा नहीं काटेंगे। अगर आपके पास बड़े बैंगन हैं तो आप 4 पीस करके डाल सकते हैं। आलू डालेंगे, गवार डाल लेते हैं,
मटर डाल लेते हैं। और पापड़ी भी इसी वक्त हम डालेंगे, मगर यहाँ मेरे पास पापड़ी नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर डाल लेते हैं, ये जो चौली मग और मठ भिगा के रखे हैं ये भी डाल लेते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। पूरी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के रखते हैं। तेज आंच पे ही रखेंगे। 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर 2 चम्मच, दो से तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 4 से 5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 लीटर तकरीबन पानी डालते हैं और इसे मिक्स करके हम ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। ये जो वेजिटेबल्स है वो आधा कच्चा हो तभी हम बंद करेंगे, पूरी तरह से नहीं पकाएंगे हम। 2 से 3 सीटी बजी है, अब देखते हैं मटन पक चुका है या नहीं। मटन पक चुका है, हम एकदम नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा इसको हम कच्चा ही रखेंगे ताकि ये वेजिटेबल्स के साथ पके। वेजिटेबल्स जो हमने पकाने के लिए रखा था, देखते हैं कितना पक चुका है ये। ये भी आधा पक चुका है, आधा कच्चा है। अब हम इसमें मटर पक डाल देते हैं। भाजी जो हमने क्लीन करके रखी है, ये पालक की भाजी है, चौलाई भाजी, और ये मेथी भाजी है। मेथी की भाजी जो है वो हम आधी ही डालेंगे, आधी हम मुठिये के लिए रख लेते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। एकदम मिक्स हो चुका है ये। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालते हैं। और अब हम इसे ढककर तेज आंच पे ही 5 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। मुठिया बना लेते हैं। बाजरे का आटा है ये, इसमें हम जो आधी मेथी की भाजी हमने रखी है वो डालते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, खोपरा डाल लेते हैं, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, आधा चम्मच पीसी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे 1-2 टेबलस्पून हम अभी तेल डालते हैं और मिक्स करके देखते हैं। इसे हम एकदम से पूरी तरह मिक्स आटे में सब चीज जो हमने डाली थी वो पूरी तरह से मिक्स किए हैं। अब ऐसे करके देखेंगे, अगर मुठिये नहीं बन रहे हैं ऐसे करने से तो हम 1 टेबलस्पून ही पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, और मिक्स करके देखते हैं। अब हम
थोड़ा सा आटा लेते हैं और इसे ऐसे शेप देते हैं मुठिये का। ये मुठिया एकदम रेडी है। मुठिया में हम जो इंडिया में बॉम्बे में जो छोटी मेथी की भाजी मिलती है वो डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास छोटी भाजी नहीं है इसलिए मैंने बड़ी मेथी भाजी डाला है। मुठिये हो चुके हैं, अब हम ये देख लेते हैं पानी उबल चुका है यानी तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे तेज आंच पे उबाला है। पूरे मुठिये हमने तेज आंच पे ही अभी तक बनाया है। अब हम इसमें ऊपर मुठिये डाल लेते हैं। मुठिये इस तरह एक एक डालेंगे ऊपर से साइड साइड से। मुठिये डाल दिए हैं, अब हम सेम की फली जो हमने काट के रखी है ये भी इसी तरह एक एक करके डाल लेते हैं। अब हम इसे ढककर तेज आंच पे 5 मिनट के लिए और एकदम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं मुठिये पक चुके हैं या नहीं। सेक पक गई है, आलू भी देख लेते हैं। आलू भी पक चुका है, सब वेजिटेबल्स पक चुके हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम मुठिया सर्व करते हैं। ये थोड़े से हम रस वाले ही रखेंगे। अगर आप सूखा पसंद करते हैं तो आप पानी थोड़ा सा कम डालें, ये रस वाले ही अच्छे लगते हैं। ठंडे होने के बाद थोड़ा ये सूख जाता है। इसे नींबू के साथ सर्व करें। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।